Hemant, Mr. Hemant, and Mr. Jay Neeraj, and Ms. Krishna Ganguly. Yeah. So, Mr. Sanjeev Kumar, this is your first movie, David, right? Yeah, first movie. So, can I please know how was the experience working in this movie? Actually, it was very tough. Citrus is basically the disease. Usko portray karna and like uske upar ek character play karna is quite very difficult. Right. And really, I appreciate the team, I appreciate all the crew. And yeah, enjoy. Thank you so much. I would like to ask Miss Neha Bose to tell something about her character. Yeah, so basically my character was really innocent and kind of naive and very different from how I am in reality. But yeah, I mean, she's interesting. You'd like to know her, so go watch the movie. Okay, thank you so much. मेरा कैरेक्टर भी एक इनोसेंट लड़की का है जो कि पूरी फिल्म में है एंड आगे आप मूवी देखेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि पूरा कैरेक्टर बता दूंगी तो आप देखने नहीं जाएंगे. ऑफ कोर्स थैंक यू. इसलिए लोगों ने बता दिया ये दोनों इनोसेंट थे, हरामी मैं था. ओके सो आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट द मूवी. यू नो माय नेम. होल मूवी. यू नो माय नेम. हेमंत सर. थैंक यू. सॉरी. सबसे पहले मैं ये कहूँगा, मैं डायरेक्टर राजू भटनागर जो है हमारे डायरेक्टर है, उसने कमाल का जॉब किया है. ग्रेट जॉब ही हैज डन एंड आई डन दिस फिल्म बिकॉज ऑफ मिस्टर पीडी शर्मा इज माय फ्रेंड. ही सेड प्लीज भाई जी कर लो यार, ऐसा है मैं जिंदगी में पहली बार ऐसा हो भी बोले स्पेशल अपीयरेंस गेस्ट अपीयरेंस है, रोल आपको करना है. तो आई हैव डन दिस रोल एंड कमाल कर दिया डायरेक्टर ने, एक्टर, एवरीबडी इज सो गुड, फिल्म इज लुकिंग सो ग्रेट. ऑल द बेस्ट ऑल द टीम. थैंक यू सो मच. वी आर ऑलमोस्ट डन विद द ट्रेलर लॉन्च, सो वीड लाइक टू मूव फॉरवर्ड फॉर द म्यूजिक लॉन्च ऑफ दिस event. So yeah, let's go forward. Actually, I mean the way you have created देखिए basically मुझे briefing दी गई थी कि एक romantic story है और मुझे उस पर काम करना है. बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास कुछ गाने ऐसे बने रखे होते हैं जो कि हमने अभी कभी किस मूड में बनाए होते हैं एंड कभी कुछ एक माहौल होता है जब हम वो गाने बना देते हैं बट कहीं यूज़ नहीं हो पाते हैं. तो उसमें से कुछ गाने ऐसे थे जो इन्होंने हमसे आके लिए, उन्होंने बोला कि यार ये बड़े अच्छे गाने हैं, हमें ये गाने चाहिए. और व्हेन आई कॉल्ड माय टीम, मैंने बोला कि यार इन सब गानों पे काम करना है अपने को और ये सब गाने कहीं जा रहे हैं किसी फिल्म में. तो जब हम लोगों ने सुना तो बहुत ही ज़्यादा रफ थे बट एक मेलोडी थी, एक उसमें एक वो सोल था कि हाँ यार ये गाने बन सकते हैं. और डेफिनेटली आपने सही पकड़ा है कि इस फिल्म का जो USP है वो म्यूज़िक है और अगर ये फिल्म अच्छा काम करेगी तो शायद उसके पीछे म्यूज़िक का बहुत बड़ा हाथ होगा. इसमें असित ने भी गाना गाया है, बहुत अच्छा गाना है भीग जाने दो. एंड ऑफकोर्स राजा भाई वॉज द फर्स्ट पर्सन व्हेन आई कॉल्ड किया म्यूज़िक करना है और मैंने कुछ म्यूज़िक बनाया है, आप आके सुनो और उसमें कुछ अपना जादू दिखाओ. तो इन्होंने बोला कि मैं बस तेरे घर के नीचे खड़ा हूँ, मैं आ रहा हूँ. लकीली ऐसा हो गया, काफ़ी करीब, मैम हम लोग पास में ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा है कि. तो ये आए, उन्होंने सुना और इन्होंने कुछ वहीं बैठे बैठे कर दिया कि यार ये तो बड़ा गजब लग रहा है, बहुत बढ़िया जा रहा है, तो कुछ बोलो ना यार. असल बात ये है कि जो म्यूज़िक है वो शोभा उसी को देता है जो हमारे मारवाड़ी में कहावत है, कामा जिगरा जामा. तो ये काम जो है पुनीत का असर लाएगा, एक रंग दिखाएगा, एक अलग
डिफरेंट म्यूज़िक आप सबको सुनने मिलेगा। एक नया तरीका है म्यूज़िक करने का और मैं पुनीत के लिए दिल से दुआएं ही कर सकता हूं, बिकॉज बाकी सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पुनीत भी बहुत अच्छा करे, क्योंकि ये हमारा भाई है और हम सब साथ में हैं इसके, कभी भी एनी टाइम 24/7 इसके साथ है। तो हमारा काम इनसे बना रहे और इनका काम हमसे बना रहे, बस सही बात है सब। हाँ वेल, मैं पुनीत को ऑलमोस्ट 6 साल से जानता हूँ, 6 साल से जानता हूँ, और शुरू से ही मुझे बहुत उम्मीद थी पुनीत से कि वो बहुत अच्छा म्यूज़िक करेगा, क्योंकि शुरू से ही पुनीत की म्यूज़िक में एक प्रोफेशनल वाली बात थी। मतलब मैं हमेशा, बहुत कम कंपोजरों में वो चीज़ देखी है, शुरू से एक बड़ा प्रोफेशनल टच था। मतलब क्योंकि पुनीत ने हमेशा बहुत ही बड़े बड़े लोगों को आइडलाइज़ किया है, रहमान सर, प्रीतम दा और इलैयाराजा, जो भी हमारे बड़े बड़े दिग्गज हैं, तो उसकी म्यूज़िक में वो फ्लेवर भी दिखता है। अगर आप इस फिल्म का म्यूज़िक देखें तो उसमें वैरायटी भी है, जैसे किसी भी बड़े कंपोज़र के काम में आपको वैरायटी दिखेगी। आइटम नंबर भी है, सूफी नंबर भी है, फिर रोमांटिक नंबर भी है। तो आई थिंक वो एक, कोई भी एक गुणी कंपोज़र के अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो हर किस्म का म्यूज़िक कंपोज़ कर पाए। तो मुझे लगता है ये पुनीत के अंदर वो काबिलियत है और ये इसको बहुत आगे लेके जाएंगे। सर कुछ तो छुपा छुपा रहने दो, सारा एक साथ नहीं। तो सर हम मजदूर हैं, हम सूफी नहीं हैं सर, बिल्कुल नहीं है। हम मजदूरी करते हैं, हम गाना गाते हैं सर। नहीं, बात ये नहीं है कि सूफीज़म राजा भाई उसी पे रहते हैं। राजा भाई की अपनी एक पहचान है जिसकी वजह से लोग इन्हें जानते हैं। नीचे ही एक भाई थे, कहाँ गए, वो यहीं कहीं होंगे, वो बोल रहे थे कि मैंने आपकी आवाज़ सुनी और मैं पहचान गया, मैं राजा, ये राजा की आवाज़ है। तो मैंने उनको बोला कि भाई इनकी आवाज़ ही तो इनकी पहचान है, है कि नहीं। एक्चुअली देखा गया कि जो राजस्थान के सिंगर्स होते हैं उनमें बाय डिफॉल्ट सूफीज़म कूट कूट के भरा होता है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है भाई, आप मानो या ना मानो ऐसा है, ऐसा है, बड़ी अच्छी बात है। यू नो नहीं, हम लोग तो नॉर्मली गाना गा के आते हैं। इट इज़ लाइक, हमारे यहाँ थोड़ा सा मामला ही अलग है कि कुछ गाने पर्टिकुलर होते हैं जिसमें कुछ शब्द एक आधे डाल दिए जाते हैं, मौला, खुदा, अली या अल्लाह, ये वो, या पिच से ऊपर गाना हो। अच्छा, आपको एक बात बताता हूँ, तो वो सूफी हो जाए। ये सब शब्द हमारी जबान से अच्छे नहीं लगते, असल बात है, ये सच बात है। मैंने भी बहुत कोशिश की, जो चीज़ें गाने के पीछे चल रही हैं, जब गाना बाहर आएगा आपको डेफिनेटली रिकॉल हो जाएगा कि अरे ये तो राजा भाई की आवाज़ है। तो हम लोगों ने भी ट्राई किया, इवन असित ट्राइड, यू नो, नहीं मैंने नहीं ट्राई किया, तूने नहीं किया था, मैंने भी ट्राई किया, नहीं इसने किया था, मजाक कर रहा हूँ, बट हम लोगों में वो मज़ा नहीं आया जो आना चाहिए था। बट राजा भाई की आवाज़ में जो, मतलब मुझे जो एक रूह समझ में आ रही है ना कि यार ये यहीं पे यार यही अच्छा लग सकता है, इनका बड़ापन बोल रहा है। मुझे लगता है हर सिंगर का एक जोन होता है और इस जोन में राजा भाई का कोई टक्कर नहीं है, नहीं यार ऐसा। और यू नो जो गाना है, इनकी मॉडेस्टी है, जो यार इनकी मॉडेस्टी है जो ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्या है, ये हैं बहुत अच्छे सिंगर और ये हैं बहुत अच्छे कंपोजर, और हम सभी जो हैं वो मजदूर हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लिए ऐसा काम करना चाहते हैं, म्यूज़िक के लिए ऐसा काम करना चाहते हैं, रूह की रज़ा है गाना बजाना जो है। तो हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से सब लोग के लोग हमसे खुश हों। अब चाहे जो लोग नाम दे, चाहे उसे सूफी दे, रॉक दे, ये दे, पॉप दे, पता नहीं क्या क्या नाम दे, लेकिन हम अपना काम करके अच्छा लोगों को खुश करना चाहते हैं। तो हमारी कोई डेफिनेशन नहीं कि ये फलां फलां शख्स जो है वो पर्टिकुलर इसी के लिए है, आप ज़रूरी नहीं है आप रोमांटिक। नहीं, सही बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्या होता है ना कि हर इंसान हर कुछ ही गा सकता है, लेकिन कुछ जोन्स बहुत अच्छे लगते हैं कुछ लोगों की आवाज़ में। और ये गाना जो है ना, ये बहुत ही, दो बहुत ही अच्छे सिंगरों का कॉम्बिनेशन है, यू नो, एक तो मोहम्मद इरफान और दूसरा राजा हसन। तो ये कॉम्बिनेशन जो बना है ना, ये बड़ा ही अलग है, एक वैरायटी भी मिलती है, वैरायटी है। और शायद आपका इरफान के साथ ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन कभी बना नहीं है, या इरफान का कभी नहीं बना, तो ये पहली बार होगा कि कुछ एक अलग कॉम्बिनेशन। इसको हम लोग मेल डुएट कह सकते हैं, मेल डुएट, यस डेफिनेटली। और सर एनीथिंग एल्स, लगता है इन्होंने सब कीमती वक्त निकाल के आते हैं। यस, तो हम लोगों की जो है दाल रोटी चलती है, तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं चाहूँगा बिल्कुल कि मेरे भाई पुनीत के लिए आप सब अच्छा अच्छा ऑन कैमरा और कैमरे के पीछे भी
आप प्लीज़ इनके लिए दुआएं करें, बिकॉज इनके म्यूज़िक में वो जान है सच में। तो आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है और अल्लाह आप सबको सलामत रखे। थैंक यू अल्लाह। तो मेरा नाम संजीव कुमार है, इस फिल्म का मैं एक्चुअली हीरो हूँ, बाकी है हमारी दो हीरोइनें हैं, बाकी इनसे पूछिए। हाँ तो मेरा नाम प्रीति है, मैंने इसमें मूवी में अच्छा कैरेक्टर किया है, एंड कैरेक्टर तो आप मूवी देखेंगे तभी बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। मैं सबके सामने बस थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे प्रोड्यूसर पीडी शर्मा को एंड माय डायरेक्टर समीर भटनागर, थैंक यू सो मच जो उन लोगों ने मुझे इतना बड़ा ब्रेक दिया, थैंक यू। माई नेम इज़ नेहा बोस एंड आई प्ले अ कैरेक्टर विच इज़ लाइक वेरी इनोसेंट एंड नाइव, आसानी से बातों में आ जाती है एंड ऑल दैट। या बेसिकली शी इज़ द कंटेम्प्रेरी गर्ल, लाइक अ टिपिकल टीनेजर कॉलेज गोइंग गर्ल, एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल कनेक्ट विथ हर। सो या आई रियली वॉन्ट पीपल टू वॉच दिस फिल्म बिकॉज वी वर्क सो हार्ड फॉर इट एंड या आई एम जस्ट रियली हैप्पी ऑल दिस इज हैपनिंग। बेसिकली फिल्म का नाम चाहत या नशा द डार्क एडिक्शन है, और एक स्टोरी है एक लड़के का जिसको एक प्रॉब्लम है सिट्राइसिस। सिट्राइसिस ऐसा एक डिसीज़ है जिसमें एक बंदे को एक सेक्स एडिक्शन होता है, इसमें उसको पता नहीं होता सब क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, एंड जर्नी इसका ऐसा है कि वो फ्रेज से निकल रहा है, देन उसके लाइफ में एक ऐसी लड़की आती है जो उसको उस फ्रेज से उसको बाहर निकालती है। पूरा स्टोरी इसका जर्नी है बेसिकली। या सो बेसिकली सैटिराइसिस इज अ लाइक नॉट दैट कॉमन, बट निम्फोमेनिया इज अ वर्ड दैट अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव ऑलरेडी हर्ड। बेसिकली लिम्फोमेनिया हैपेंस विद अ गर्ल एक्चुअली, या सैटिराइसिस हैपेंस विद अ बॉय, या इट्स अ फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ सैटिराइसिस। सो या द मेल काउंटर पार्ट इज सैटिराइसिस। या सो मोस्ट ऑफ द डे आप देख ही रहे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ लोग हो रहे हैं आज के टाइम पे, चल रहा है आज के टाइम पे, और लोगों को लगता है कि रेपिस्ट है, बट रेपिस्ट नहीं होता एक्चुअली। और हम इस मूवी के थ्रू एक मैसेज देना चाहता है पब्लिक को कि ये एक बीमारी है, जो लोग समझेंगे तो शायद सबके लिए अच्छा होगा। बेसिकली अवेयरनेस है। या फॉर द अवेयरनेस। मतलब फिल्म के यूएसपी फिल्म का मैसेज होने वाला है। ऑफ कोर्स। यस यस। स्टोरी है, लाइक रोमांस है, कॉमेडी है, और लाइक अवेयरनेस भी है ऑफ कोर्स। मैडम जो सबसे पहले अच्छा लगा वो बता दो। सबसे पहले अच्छा ये लगा ये समीर और अजय विजय संदीप और ये दोनों जो थे, हमने एक फिल्म की थी जट जेम्स पाजी, उसके प्रोड्यूसर भी रहे जट जेम्स बॉन्ड, ये दोनों उसको असिस्ट कर रहे थे। तो आज मुझे जब बताया इन्होंने फिल्म बनाई है तो मुझे लगा मुझे ज़रूर जाना चाहिए, तो मैं इन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारी कोशिश रहती है जब भी कोई चीज़ कोशिश करता है करने की, तो अगर हमसे जो बन पड़ता है, जो हमारी सपोर्ट होती है, पूरी कोशिश करते हैं कि वहां पहुंचे। तो मेरी इन दोनों को और शर्मा जी जिन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की है, पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और ट्रेलर अभी देखा है मैंने, तो फिल्म पूरी नहीं देखी है मैंने, बट मैं इस वक्त अपनी शुभकामनाएं दे सकता हूं, ऑल दी बेस्ट कह सकता हूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि इन्होंने मेहनत की होगी और एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की होगी। देखिए अच्छी बात है, अगर इस तरह के इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो इंडस्ट्री का उस तरह काम नहीं चलेगा, क्योंकि सीनियर एक्टर सबके बस की बात नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि प्रोड्यूसर्स, मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि प्रोड्यूसर सामने आते हैं, क्योंकि वो सबसे अहम कड़ी रहते हैं फिल्म बनाने के लिए, और वो अपना पैसे लगाते हैं, विश्वास जताते हैं नए लोगों में, तो इसी तरह का नतीजा है ये फिल्म भी। तो उन सबको इस बात की भी मुबारक प्रोड्यूसर साहब को कि उन्होंने नए लोगों के साथ ये अपना फिल्म बनाई है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले तो समीर और विजय को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और शर्मा जी को, मेरी बड़ी लंबी एसोसिएशन है इनके साथ, और बहुत ही खुशी है कि ये दोनों लड़के असिस्ट कर रहे थे, तो मैंने तो सोचा था कि दोनों बहुत मेहनती थे कि दोनों बड़े होकर डायरेक्टर बनेंगे, एक एक्टर बन गया एक डायरेक्टर बन गया, इससे बड़ी खुशी की बात तो और कोई हो नहीं सकती। क्योंकि समीर को जब हम देखते थे मेहनत करते हुए, और विजय था नया था, मैं बहुत श्योर था कि ये दोनों डायरेक्टर बनेंगे,
पर एक डायरेक्टर और दूसरा एक्टर, ये और भी अच्छी बात है। और शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उससे भी बड़ी बात कि शर्मा जी ने वो हौसला दिखाया कि नए डायरेक्टर और नए लड़के के साथ फिल्म बनाई, जो आज के दौर के लिए बहुत ही अच्छा है और इंडस्ट्री के लिए हमेशा ही अच्छा है कि कहाँ जब नया टैलेंट आता है वही आगे आकर के बहुत सी चीज़ों को रिप्लेस करता है, नए आइडियाज़ के साथ आता है। तो एक बार फिर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा और मुझे आगे फिल्म इससे बहुत ही अच्छी होगी। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एक्चुअली बस ब्लेसिंग है रतन पाजी और मुकेश सर के साथ, ब्लेसिंग ही है। मैंने इनके साथ काम किया पंजाबी मूवी में और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, बस सब इन्हीं से सीखा है सर हैं मेरे। और जब मूवी शुरू करा था तब मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी मूवी, इतना बड़ा सेटअप हो जाएगा। बस अभी है कि ब्लेसिंग है, रतन पाजी हैं साथ में, मुकेश हैं, हेमंत जी हैं, और हमारे पी डी शर्मा प्रोड्यूसर, उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा, और फाइनली आपके सामने ही है ट्रेलर। फिल्म के लिए है कि ट्रेलर में जो देखा है वो जो आपने देखा है वो तो आपको समझ में, बाकी सारा सस्पेंस है। जो आप फिल्म देखोगे उसके बाद आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि फिल्म का फिल्म की स्क्रिप्ट क्या है, फिल्म की लाइन क्या है, फिल्म का स्कोप क्या है, और ये तीनों क्या कर रहे हैं, हमारे मेन संजू, प्रीति और ये नेहा क्या कर रहे हैं फिल्म में। अभी तक आपको ट्रेलर में देख के कुछ आइडिया नहीं हुआ होगा, तो प्लीज़ फिल्म देखने जाइए, बहुत जल्दी आपके सामने स्क्रीन पर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ऐसे मौके पे सवाल मैंने फिल्म देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, और जो शॉट लिए हैं मैंने सोचा नहीं था इतनी अच्छी बनेगी, वो तो मैंने दोस्ती में कर लिया था। ये शर्मा साहब है, ये बोले काम करना है तो मैंने कर लिया, लेकिन मैंने आज फिल्म देखी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, शॉट बढ़िया लिए है। बाकी फिल्म लाइन में तो आप जानते हैं लक चलता है, अगर किस्मत हो तो फिल्म सुपर हिट हो सकती है, लक इज द बेस्ट। मुझे लगता है डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, समीर भटनागर, और हीरो हीरोइन अच्छी है। मेरा रोल तो कोई मेरी रोल के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, मेरी फिल्म आ रही है सूर्या, इट्स अ बिग मूवी, जब भी मैं बात करूँगा, लेकिन ये फिल्म अच्छी बनी है, पब्लिक को अच्छी लगेगी, मेरी तरफ से फिल्म को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। सूर्या जो है बॉम्बे माफिया के ऊपर बनी है फिल्म, और आई एम प्लेइंग द मेन डॉन, और बहुत ही बड़ी बजट की फिल्म है, दादाकोंड के प्रोडक्शन है, इससे बड़ी बजट की फिल्म आज तक मराठी में बनी नहीं है, और ये हर लैंग्वेज में डब होगी, और आप लोग आई थिंक एक महीने में आप लोग सब लोग ट्रायल देखोगे सूर्या की। वाजपेयी जो थे वो ग्रेट आदमी थे, आई लव हिम, गॉड ब्लेस हिम हिज सोल, अटल जी की बात ही कुछ और है, ऐसे सब नेता हो जाए तो क्या बात है। ओके थैंक यू। मैं एक्चुअली जो मेरा नाम ज्योति सिंह है, मैं यूएसए बेस्ड एक्ट्रेस हूँ, और काफ़ी लीड रोल प्ले किए हैं, तो मैं यहाँ पे आई थिंक ट्रेलर देखने के लिए आज, और म्यूज़िक रिलीज के लिए बहुत अच्छा ट्रेलर है। अगर हम देखने चाहें तो जो आजकल के नए टैलेंट्स हैं उनको चांस नहीं मिलता है, तो आजकल के नए डायरेक्टर्स दे रहे हैं उनको चांस, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये हो रहा है आजकल, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इतना अच्छा ट्रेलर निकला, म्यूज़िक भी बहुत अच्छी हुई है, एंड इसमें बहुत एफर्ट होता है, बहुत काम होता है, जो पूरा कास्ट क्रू काम करता है वो एक दो महीने एक साल लगते हैं, तो हमें इन चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि हर दर्शक ये मूवी देखने आए, चाहत या नशा, प्लीज़ सब लोग सपोर्ट करें उसे, थैंक यू। उससे पहले मैं आप सभी लोग मीडिया वालों का बहुत बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा, थैंक यू आप सब लोग आए इस इवेंट में, बहुत बहुत धन्यवाद सर,
और ये मूवी के बारे में बहुत अलग ही एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अलग जर्नी रही है। ये मूवी जब हमने बना रहे थे, एक स्क्रिप्ट के ऊपर हम काम कर रहे थे, तो कुछ ट्रू इंसिडेंट थे जिसपे ये मूवी बेस्ड है, कुछ ट्रू इंसिडेंट हमारे सामने आए। मेरा तो आप सोचते कि उसको हाईलाइट करें उस इंसिडेंट को और उसको आगे फर्दर लोगों तक पहुँचाएँ, है ना। उसके लिए हमने पूरी तैयारी की और इस मूवी के ज़रिए आपको वो देखने मिलेगा। एंड एक्चुअली एक सिंगल बंदा एग्जीक्यूट करे तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन मेरे साथ पूरी टीम थी, मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर का को प्रोड्यूसर, मेरे म्यूजिक डायरेक्टर पुनीत दीक्षित भाई, और प्रोड्यूसर हमारे पीडी शर्मा जी, और जितने भी एक्टर थे मेरे साथ, सब ने बहुत कॉर्पोरेट किया मेरे साथ, और टीम वर्क के साथ ही काम होता है, और टीम वर्क के साथ काम हुआ, नतीजे आपके सामने जो आपने ट्रेलर देखा। सॉरी, रिलीजिंग का प्लान हमारा ये है कि हम नेक्स्ट मंथ तक 28 सितंबर तक या प्लानिंग टू रिलीज अ मूवी, सेकंड वीक तक हम सोच रहे हैं रिलीज करने का। सॉरी, प्रमोशन के लिए अब आप जैसे आप हो, और वैसे भी हमने पीआर हायर किया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूटर से बात की हुई है, तो अब हम शुरू हो गए हैं प्रमोशन के लिए डे वन से। अब देखो जब तक रिलीज होता है तब तक प्रमोशन का जितना कर सकते हो उतनी कोशिश करेंगे प्रमोशन करने की। हमारी मूवी का जो स्ट्रेंथ है वो है हमारा म्यूजिक, एंड मैं रियली ब्लेस्ड, आई रियली ब्लेस्ड दैट आई एम गोला म्यूजिक डायरेक्टर। लाइक ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं पुनीत दीक्षित, पुनीत दीक्षित ने रियली, ये बंदा ऐसा है कि हमने डे नाइट काम करा है बंदे पे, यू नो इज ऑलवेज अप टू द मार्क, एंड जो प्रोडक्ट इन्होंने बना के दिया वो आप सभी ने सुना, आप सबको कैसा लगा वो गाना, तो बड़े अच्छी मेहनत की है सर ने, और वी लोग सर के साथ और काम करना चाहेंगे इन फ्यूचर में। तो पुनीत जी, हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद अस? डेफिनेटली अच्छा था, और जैसा कि अभी अपन ने बात की थोड़ी देर पहले कि एक रोमांटिक स्टोरी पे काम करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत इजी टास्क मिल जाते हैं करने के लिए, कि गाने इजी हो जाते हैं रोमांटिक स्टोरी, क्योंकि बहुत ही कॉमन सा जोन है, और जिस तरह के गाने इन लोगों ने सिलेक्ट किए हैं, मैं भी खुश हूँ कि यार इस तरह के गाने बाहर मेरे आने चाहिए थे। और ऑफकोर्स क्रेडिट गोज टू प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, और हमारे एक्टर ने भी बहुत मेहनत की है गानों को लेके, कि यार मेरे ऊपर जा रहे हैं तो आप थोड़ा यू नो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दीजिए और कुछ अच्छा कर दीजिए। तो और मेरा म्यूज़िक है डेफिनेटली, मैंने इस चीज़ के लिए तो कभी माइंड नहीं किया कि यार गानों में कोई कमी होनी चाहिए, है कि नहीं? और दिन पहले भी काम करते गानों पे? हाँ, मतलब अभी रिसेंटली 4-5 दिन से भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया है गानों पे।